नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा वर्मा, शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय भोपाल से। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम लोग बहुत सारा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, खाने पीने के बारे में बात करते हैं, तो आज का टॉपिक आपको पता होगा कि किशोरों के लिए फास्ट फूड का जो इनटेक है उसके बारे में, मतलब फास्ट फूड क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि इस एज में फास्ट फूड बच्चे ज्यादा लेते हैं, तो आज की चर्चा जो है वो हमारी इस टॉपिक पे होगी। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज बीच में इंटरएक्टिव होइए और आपके प्रश्न तैयार रहने चाहिए जो आप क्लिक करके पूछें। तो जैसा कि आपको देखने में आ रहा है कि एडोलेसेंट एंड फास्ट फूड इनटेक, मतलब किशोरावस्था में जो फास्ट फूड का लेने का जो पैटर्न है वो, उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा हम लोग एक में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम और भी जो आहार हैं, क्योंकि आज की डेट में आप लोग पूरे समय इन्फ्लुएंस है मार्केट से। और जैसा मैं आपको हर अभी क्लासेस में बताया भी है, योग की क्लास में, कि हमारे बच्चों के बैग में क्या पौष्टिक आहार होना चाहिए, सूखा चने मूंगफली ये क्यों होना चाहिए, तो उसके साथ में इसके बारे में भी आज हम चर्चा करना चाहते हैं। फास्ट फूड जो कि डिफिकल्टी से अपन बोल सकते हैं, कठिनता से, कि ये रेस्टोरेंट में मिलता है, तो क्या एक प्रश्न के बीच में अपन है कि क्या ये हेल्दी डाइट है या नहीं है। लेकिन ये आपने देखा है कि आजकल जगह जगह, चाहे छोटी जगह भी हो, तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बहुत खुले हैं। और आजकल तो रेस्टोरेंट के साथ में हट्स भी हैं, जो मोबाइल हट्स भी हैं जगह जगह, आप जिसको हिंदी में गुमठियां बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा फास्ट फूड के हर जगह हॉकर्स आपको खड़े मिलते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर फास्ट फूड के बारे में बात करें तो ये तो अवेलेबिलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें किस प्रकार का पोषक तत्व होता है, क्या होता है, तो बेसिकली फास्ट फूड में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ट्रांस फैट बहुत होता है। ट्रांस फैट वो फैट है, वो वसा है जो कि नुकसान करता है, क्योंकि ये वही वही तेल तल के उसका जो ऑक्सीडेशन हो जाता है तेल का, तो वो शरीर के लिए नुकसान करता है और उससे भी मोटापा वगैरह होता है। और सैचुरेटेड फैट होते हैं, मतलब वो वाला वसा जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, और सोडियम। तो यहाँ अपन अगर फास्ट फूड की जानकारी लेना चाहें तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको ये तो बोलूंगी नहीं कि आप मत खाइए, लेकिन आप उसके बारे में अवेयर होइए और ये समझिए कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि इजी टू टेक है, अरे ये तो बना बनाया मिल जाता है और एक बर्गर खा लिया और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली तो हमारा तो दिन भर की एनर्जी मिल गई। हाँ, ये सही है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि ये कैलोरी में हाई है, लेकिन ये जितना हाई है, आप देखिए जो बच्चे, मतलब खास तौर में 12 साल के बाद के बच्चे, और 12 साल से धीरे धीरे वो किशोर अवस्था में आते हैं, तो ये बच्चे अगर ज्यादा इनटेक लें, अपन बात कर रहे हैं इनटेक की, यदि कोई महीने में दो बार ले रहा है तो वो कोई नुकसान, लेकिन जो रोज ले रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक पड़ोसी, उसका बेटा अभी स्कूल में जा रहा है, वो 8th क्लास में है, और हर दिन शाम को डोमिनोज का वो आता है वेंडर और उसको सप्लाई करता है। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि इनटेक पे ध्यान दीजिए, कि यदि रेगुलर इनटेक आपका बढ़ता जाएगा तो उस बच्चे को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से ओबिसिटी उसको, उसके ऊपर हावी हो रही है, और वो जो ओबिसिटी या मोटापा जो उसके ऊपर हावी होता है वो जाता नहीं है जल्दी, और फिर वो एक जब किशोर होता है और जब उसके पेयर ग्रुप में उसको कोई टीज करता है, चिढ़ाता है, या उसको खुद से भी लगता है, तब वो इट बिकम्स टू लेट कि अब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो क्योंकि इन इसमें आपके फ्रूट वेजिटेबल फाइबर कम रहते हैं, आपको लगता जरूर है थोड़ा बहुत ऐसा किनारे से सजाने के लिए वो लगा देते हैं, लेकिन बेसिकली आप देखिए बर्गर में आलू की टिक्की मोटी सी भरी रहती है और ब्रेड के बीच में रहता है। तो इस जानकारी को लेने के बाद हम देखते हैं कि फास्ट फूड जो है कहाँ से आया, इसकी जो ओरिजिन है, हिस्ट्री है, ये पॉपुलर हुआ है, जैसा हम लोग वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारी चीजों को अडेप्ट करते हैं, फैशन को करते हैं, उसी तरह से फूड को करते हैं। और ये 1950 में यूएस से जो ट्रैवल हुआ, तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया, और बहुत ही क्विकली लोग
फास्ट फूड में पहले से तैयारियां करके रख ली जाती हैं, तो इसमें प्रिपरेशन टाइम कम लगता है, और इसको रेस्टोरेंट्स में जैसे बना के भी यदि रख लिया गया तो प्री हीट कर लेंगे, प्री कुक कर लेंगे, और इस तरह से तो इजी टू मेक अपन कह सकते हैं। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा लोगों को लगता है, टेक होम पैक्ड, आपको बड़ी इजी टू कैरी, आपने बोला कि अरे कॉलेज से आते आते आपके छोटे भाई ने बोला मेरे लिए बर्गर ले आना, मेरे लिए पिज्जा ले आना, दैट मीन्स इट इज इजी टू, बाकी कोई चीज को लिए आप जो पौष्टिक आहार को कैरी करने में आपको टाइम लगता है, पैकेट तो आज भी मिल जाते हैं, पैक्ड मिल जाते हैं, लेकिन इतना इजीली नहीं मिल पाता है, तो ये भी इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो जो ग्लोबलाइजेशन की कुछ गणितीय चीजें वो आपको जानना इसलिए जरूरी है कि 2006 से जो फास्ट फूड का मार्केट, मतलब 1950 से यूएस से आया, लेकिन इंडिया में 2006 से ये बहुत इसका मार्केट ग्रोथ हुआ, और 5% मार्केट ग्रोथ हुआ, और इस तरह से जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हुई, मतलब फास्ट फूड, क्योंकि ये इंडस्ट्री औद्योगिकरण इसका हो गया, और दिखाया मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, केएफसी, सबवे और पिज्जा हट। आप सब एग्री करेंगे, भोपाल के बच्चे तो डीवी मॉल में जा रहे हैं या ये सारे इनके आउटलेट्स हैं मार्केट में, वहीं बैठे मिलते हैं किशोर। तो बेसिकली इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करीब पूरे विश्व में 126 देशों में इसका मैकडोनल्ड का आउटलेट है, और बर्गर किंग का तो 11,000 रेस्टोरेंट है 65 देशों में, केएफसी का 25 देशों में लोकेटेड है, और सबवे का आपका 90 देशों में है, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो करीब 40,000 रेस्टोरेंट है, और पिज्जा हट जो है वो करीब 97 देशों में है, जो कि 100 लोकेशन चाइनाज में है, और अब इंडिया में भी आ गया है। तो आपको एक इसके ग्लोबलाइजेशन से इसकी ग्रोथ समझ में आ रही है, और इसका औद्योगिकरण समझ में आ रहा है, और इसकी मैं यहाँ पे इस स्लाइड से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितना फास्ट ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ है, तो इससे थोड़ा सा अवेयर रहना है हमको, क्योंकि हम पूरे समय योग की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम पौष्टिक आहार की बात कर रहे हैं, हम संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, उस बीच में ये भी आ रहा है जिसकी जानकारी हमें लेना आवश्यक है। टाइप्स ऑफ फास्ट फूड में जो हम देख रहे हैं इसमें पिज्जा, बर्गर, पैटीज, नगेट्स, पकोड़ा, समोसा, चाइनीज, ये बहुत सारे आएंगे, लिस्ट इसकी बहुत है, आप लोग को पता है, तो ये जो अवेलेबल है वही लिस्ट है। और जंक फूड जो होते हैं, जो कि जिसमें कि आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें शुगर ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, और उसकी जो कैलोरिक वैल्यू होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू, वो बहुत ही कम होती है, मतलब उसमें प्रोटीन नहीं होता, फाइबर, विटामिन, मिनरल, ये कुछ भी नहीं होता, उसको हम जंक फूड कहते हैं, जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक। अब आप देखिए कि टाइप्स में ये दो टाइप्स के आपको मिल रहे हैं, एक है फास्ट फूड और दूसरा जंक फूड, और आप किशोर बच्चे इसी के बीच में हैं, छोटा बच्चा भी है, और आप खुद भी किसी के घर जाते हैं तो कैडबरी लेके जाएंगे। दिस इज द वे मीडिया आपको बता रहा है कि सेलिब्रेशंस, मतलब कोई भी त्योहार आ रहा है तो कुछ मीठा हो जाए, सैलरी का पहला दिन है तो सेलिब्रेशन हो जाए। वॉट वी वॉन्ट टू से हियर, मतलब टाइप ऑफ इसमें फूड में ये दोनों प्रकार के जो भोजन है ये आपको कितना लेना है, क्या करना है, इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर फास्ट फूड में आपके रेस्टोरेंट में मिल रहा है, आप वहां बैठ के खाइए, आप टेक होम करिए, पैक्स में लीजिए, इसी तरह से आपका जंक फूड है वो भी आपको मिल रहा है बाजार में, और आप उसको खरीद के ले, ये जो फास्ट फूड और जंक फूड मिलके ही आपका एक वन मील मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि बच्चे, किशोर बच्चे डिनर में बस एक पिज्जा खा लिया, एक सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, हो गया उनका डिनर, फिर मीठे में आइसक्रीम खा लिया। तो ये जो है पूरा प्रकार, ये कितना स्वास्थ्यकारी है, ये अपन आगे आगे देखते जाएंगे और आपको फिर समझ में आएगा कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। इसमें एक और इंस्टेंट फूड भी मैंने लिया हुआ है, इंस्टेंट फूड मतलब जो कि मैं कह सकती हूँ रेडी टू मेक, रेडी टू ईट, जैसे कि आप नूडल्स देखिए, ये इंस्टेंट में आता है, आपको नूडल लाए, गर्म पानी में डाला, 3 मिनट
बन गया, आपने उसको ले लिया। सूप पाउडर आते हैं, नॉर का सूप आता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो इंस्टेंट, या तो वो पाउडर फॉर्म में है या रेडी। आजकल तो सब्जियां भी, पालक पनीर है इंस्टेंट, गर्म पानी डालो आपका पालक पनीर तैयार हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रीट फूड्स भी हैं। स्ट्रीट फूड में जो वेंडर आपको मिलता है, जो सड़क के किनारे हॉकर्स होते हैं, वो आपको इसको मतलब बना के बेचते हैं, जैसे कि छोले टिक्की, समोसा, चाट, गोलगप्पे। तो ये टाइप्स ऑफ फूड में भी क्लासिफाइड होता चला जा रहा है, और आप देखिए कि लिस्ट इतनी बड़ी होती जा रही है, जो हमारे किशोर बच्चे इन्हीं के चारों तरफ हैं। कहीं से भी उनको पैसा चाहिए बचत करके या मांग के, और वो इसके में वो, ये अगर आपको कहीं पार्टी करनी है तो भी आप इसको इसी तरह से रेलिश करना चाहते हो। तो आपके पास में फास्ट फूड, जंक फूड, इंस्टेंट फूड और स्ट्रीट फूड, ये इतने प्रकार के फूड्स के प्रकार अभी के अभी में आपको समझ में आए, और हर जो है व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स ऐसा नहीं है कि हर चीज को अपन ये बोल रहे हैं कि नुकसानदेह है, कुछ हेल्दी भी है, कुछ थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए भी बात करेंगे हम। जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, आपको रेडी टू वो है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको गर्म दूध में डालना है और खाना है। ओट्स है, गर्म दूध में डालना है, खाना है। तो ये इंस्टेंट फूड में आएगा। सेरेलेक है बच्चे का, और ऐसे बहुत सारे पाउडर्स भी हैं जो आपको मिलते हैं। तो अब हम जब इतना समझ लेते हैं, तो आफ्टर सीइंग द हिस्ट्री एंड ग्लोबलाइजेशन, हम आते हैं इंडिया के फास्ट फूड में। इंडियन फास्ट फूड में सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे आलू टिक्की, भेल पूरी, चाट पकोड़ा, छोले भटूरे, पाव भाजी, ढोकला, समोसा, पानी पूरी। ये कुछ एक लिस्ट है जो मैंने कॉमन बनाई हुई है। उसके अलावा भी जैसे मुंगोड़े हैं, आजकल जलेबी भी मिलने लगी। आप ऑब्जर्व करिए कि आपके चारों तरफ इंडियन उसमें आउटलेट्स में क्या मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक चीज और समझ में आई आप लोग को, कि घर से बाहर, अवे फ्रॉम होम, कौन सा फूड आप लोग ले रहे हैं। फिर आपका इसमें जो इंडियन फास्ट फूड में जो मेथड है बनाने की, उसमें बहुत हाई कैलोरी रहता है और फैट भी ज्यादा रहता है। आप ऊपर जितना भी लिस्ट आउट करा है, उसमें दो ही एग्जाम्पल ले लें, पकोड़ा, समोसा और भजिए वगैरह, मुंगोड़े वगैरह, आप देखिए। और अगर आप इसको डेली डेली वही वही लेंगे, तो आपका कैलोरी बढ़ेगा, फैट कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आप कोई उपचार ही नहीं है कि दूसरा कुकिंग मेथड आप लें, क्योंकि ज्यादातर इंडियन फूड डीप फ्राई होता है। और यहीं पर मैं ट्रांस फैट की बात करती हूँ, क्योंकि वो जो तेल है, जिसको हिंदी में तेल बोला जाता है, मतलब वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जब एक बार तलेगा, दो बार तलेगा, आप देखिएगा कि वो रखने के बाद उसमें थिकनिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसको हम लोग ट्रांस फैट बोलते हैं। और इसीलिए हम लोग समोसा, मतलब बहुत सारी जगह, मतलब मुझे भी बोला जाता है, मैडम आप पूरे समय समोसा खाने को अवॉइड करती बोलती हैं, और समोसा ही तो जो है जो एकदम से मिल जाता है और हम लोग खा लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन और कहना ये है कि आपको मैं आज की क्लास में ये समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई इसको अपना डेली पैटर्न बना ले, तो देन इट इज रॉन्ग। कि एवरी डे वो सोचता है, घर से तो निकल आता है, देर से सो के उठता है, तैयार होके भगता है, और वो ये सोचता है कि मैं तो कॉलेज की कैंटीन में जाके एक समोसा खा लूंगा, होता भी है, तो वो रॉन्ग है। तो आपको कभी पार्टी में खा रहे हैं, कभी अपने किसी के बर्थडे पार्टी में खा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते। यहाँ पे ऑब्जेक्शन कहाँ पे आ रहा है कि व्हेन यू आर टेकिंग। और अभी मैं एक किसी किशोर बच्चे से बात करी थी, तो उसने कहा नहीं आज सुबह बहुत देर हो रही थी, कॉलेज की बस छूटने वाली थी, तो मैं जल्दी से एक गिलास दूध पिया, भागा, फिर मुझे भूख लगी तो मैंने 5 समोसे खा लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि ये एक रॉन्ग प्रोसेस है, जो कि बच्चा अपनी सिर्फ भूख को शांत करने के लिए कर रहा है, और उससे उसका मोटापा भी बढ़ रहा है, और उसको कोई बहुत एनर्जी थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण की बात करें तो वो उसको नहीं मिल पाती। और कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो बेक्ड होते हैं, रोस्टेड होते हैं, तंदूर पे होते हैं, तो उसमें लो फैट होता है, जैसे कि आपका तंदूरी चिकन है या पनीर टिक्का वगैरह है। ऐसी कोई चीज भी है जो आपके फास्ट फूड की लिस्ट में है, तो आपको उससे खतरा नहीं है। तो आपको क्या आज टेक होम करना है, कि आपको ये देखना है कि एक तो आपका इंटेक कैसा है,
मतलब ये मत सोचिएगा आज की क्लास से कि मैं आपको इसके बारे में अगेंस्ट में बोल रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपका इनटेक पैटर्न क्या है, कि आपकी ये कितनी इंटेंसिटी से ले रहे हैं कि आपके शरीर को वो हानि पहुंचा रहा है। और दूसरा ये देखिएगा कि आपका सिलेक्शन क्या है, आपका चॉइस क्या है। हमने महीने में एक बार पार्टी करी है और हमने एक पिज्जा मंगाया है, उस बड़े पिज्जा को हमने चार लोगों ने मिलके खाया, तो देर इज नो नॉट एट ऑल ऑब्जेक्शन, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं। लेकिन अगर वही एक मीडियम साइज का पिज्जा अकेले बैठ के खाया है और कोल्ड ड्रिंक कोका कोला के साथ खाया है, और फिर आप हर हफ्ते या हर 2 दिन में जाके खाते, तो ये इनटेक वाली बात आ रही। तो फास्ट फूड इनटेक पे कंसंट्रेट करिए, क्या कैसा इनटेक आपका हो रहा है। अब कुछ चीजें जैसे सिर्फ मैंने बताने के लिए कि आपको दिमाग में रहे कि ट्रांस फैट जो है भटूरे में 9.5% रहता है, पराठे में 7.8 रहता है, पूरी में 7.6 रहता है, और फ्रेंच फ्राई एज कम्पेयर टू 4.2 इन रेगुलर फ्रेंच फ्राइज। तो ये जो कहने का मतलब है कि क्योंकि वही वही तेल में अगर वो तल रहे हैं सेम तेल में, तो और अगर साफ सुथरे तेल में अगर हम फ्रेंच फ्राई तलते हैं तो ट्रांस फैट कम हो जाएगा। तो पहला समोसा जो पहले अच्छे तेल में निकलेगा उसका क्या रहेगा, आपका ट्रांस फैट का कंटेंट 4.2, लेकिन जैसे जैसे वो आपका वही वही तेल यूज करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। साउथ इंडियन फूड भी इसमें आते हैं, जैसे इडली, उत्तपम, डोसा, तो ये ज्यादा बेटर होते हैं और ये ज्यादा अच्छे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रहता है क्योंकि इसमें फैट कम रहता है। आपने देखा होगा कि जो भी डोसा इडली में तो रहता ही नहीं है, तो ये भी आपके फास्ट फूड कैटेगरी में ही आजकल आते हैं और ये ज्यादा बेटर होते हैं बजाय ये ट्रांस फैट वाले से। तो मतलब अगर आपको चॉइस लेना है तो आप एक आध बार खाइए ये सभी चीजें, लेकिन ज्यादा आप इसको ले सकते। हर रहते हैं जो लोग, उनको प्रॉब्लम होती है कुकिंग की, तो वो डोसा इडली पे डिपेंड ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें और फैट कम होता है। ज्यादा पॉपुलर फास्ट फूड जो है वो है फ्रोजन फ्रोजन फास्ट फूड और आपका फ्रेंच पोटैटो फ्राइज। ये आप देखिए कि हर बार मतलब जो पतले काट के वो तल देते हैं और वो बच्चों को, किशोरों को, सबको अच्छे लगते हैं, तो वो आप घर में भी बना सकते हैं बजाय कि, क्योंकि घर में बनाएंगे तो आपका ट्रांस फैट नहीं होगा, और अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मान के चलिए कि आपका ट्रांस फैट कंटेंट बढ़ेगा। और आपकी अभी मेरे अंदर में एक पीएचडी चल रही है, उसमें वो लड़की स्कूलों में कर रही है फास्ट फूड पे, उनकी मदर्स को भी काउंसिल कर रही है, और मेरे जो रिजल्ट्स आए हैं उस पे भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि या तो बच्चा ओवरवेट आ रहा है और या फिर वो अंडरवेट आ रहा है। तो ये स्टडीज भी शो कर रही है कि फास्ट फूड का इंटेक सही नहीं होने से, फास्ट फूड बैन करने को नहीं बोल रही हूँ, फास्ट फूड नहीं लेने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसके इनटेक की तरफ अगर झुकाव ज्यादा है तो नुकसानदायक होगा और आपकी स्वास्थ्य पे हानि होगी। ये भी देखना होगा आपको कि आप ईटिंग अवे फ्रॉम होम, मतलब घर से बाहर जो टीनेजर्स हैं या किशोर लोग हैं वो कितना टाइम बिताते हैं, और कितने बच्चे जो हैं आप लोग में से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई दूसरे स्नैक्स रेस्टोरेंट में जाते हैं या वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। आजकल तो आप देखिए बड़े सिटीज में मेट्रोज में वेंडिंग मशीन भी लगी है, आपने पैसा डाला और आपको चीज आपको हाथ में आ जाती है, आपने 20 रुपए डाले और कोका कोला की बॉटल मशीन ने आपको दे दी। तो ये इतना आसान हो गया है, तो किशोर लोगों को, किशोर अवस्था में जो बच्चा मतलब हर दुनिया को समझने के लिए क्या नया आ रहा है और उत्साहित भी रहता है, तो इसमें ये हेल्थ के लिए कहीं पर वो चॉइस या सिलेक्शन गड़बड़ करके अपनी हेल्थ को खराब करता है, क्योंकि फास्ट फूड जो भी करेगा वो ईटिंग अवे फ्रॉम होम है, और उसमें यदि उसका इंटेक फास्ट फूड का बढ़ गया तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फोलिक, ये जो जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाती है। फास्ट फूड दिखने में तो फास्ट नाम है और बड़ी जल्दी, फास्ट नाम ही इसलिए कि जल्दी बन जाता है और आपको कैलोरी भी हाई दे देता है, तो आपका जो भूख है वो तृप्त हो जाती है, बट इतनी डेफिशिएंसी के बीच में आप आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इतने इम्पोर्टेंट पोषक तत्व नहीं रहते हैं।
जो कि आपको स्क्रीन पे बताए जा रहे हैं, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, ये आपकी डेली लाइफ में बहुत आवश्यक है। और होता क्या है कि जब इनटेक बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य की हानियां समझने भी नहीं आएंगी, लेकिन वो होती चली जाएंगी और लॉन्ग टर्म उसमें आप फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने को समझना है कि इनटेक अपन किस तरह से सुधारे। मतलब यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया कि जितना भी घर से बाहर खाना आप मिस करते हैं चॉइसेस, तो वो आपका, और आप कोई इम्पोर्टेंट ऊपर से बताई गई प्लेसेस में जा रहे हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। मैंने एक आपको जस्ट टू एक्सप्लेन एक चार्ट भी दिखाने की कोशिश की है कि फास्ट फूड वर्सेस हेल्दी फूड। फास्ट फूड हाईली एक्सेसिबल है, तुरंत मिल जाता है। हेल्दी फूड को करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, आपको पूरे अच्छे से। फास्ट फूड कन्वीनियंट है, हेल्दी फूड लेस कन्वीनियंट है। ये मतलब अप्रोच वाली बात है कि आपको ये रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं और आपको सिर्फ एकदम से स्कूटर उठाई, इवन आप घर में भी हैं तो आप मदर को बोलेंगे ये बना दो, तो शी विल हैव टू टेक, कम से कम उसको आपको आधा पौना घंटा तैयारी लगाने में देना पड़ेगा। हो सकता है आपने छोटी सी बहुत बात बोली कि हेल्दी फूड में आप बोल रहे हैं उपमा बना दो, वेजिटेबल उपमा बना दो, तो उसको टाइम लगेगा ना। वो हो सकता है कि रवा ही नहीं हो, तो कहानी वहां से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर आपको रेडीमेड सब मिल जाता है। ये बहुत टेस्टी रहता है फास्ट फूड, और ये हेल्दी फूड जो रहता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होता है। फास्ट फूड जो है वो आपको प्रमोटेड हो जाते हैं, मतलब आपको कि उत्साह में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही लेने लगते हैं। और हेल्दी फूड के लिए आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, आपको इसके लिए मतलब थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। फास्ट फूड जो है इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये देख लीजिए, आप इसको भ्रम में मत रहिए, और हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हेल्दी फूड में सारे फूड ग्रुप्स में से सारी चीजें आप लाने की कोशिश करोगे, कॉम्बिनेशन करोगे। और फास्ट फूड में आपने एक पैटर्न पे रखा हुआ है, आपका फिक्स दाम है। आप कई बार देखो 25 रुपए का आपको अच्छा बड़ा सा बर्गर मिल जाएगा और आपको लगेगा, और वही चीज आप घर में करने की कोशिश करोगे तो आपका पूरा 100 रुपए लग रहा है। तो जब करोगे तब आपको पता चलेगा ओ ये तो ये जा, तो लोग इसलिए भी इनटेक इधर चले जाते हैं कि चलो भाई यही ले लो, खत्म करो। पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि अब इतना टाइम लगेगा, हमें टाइम ही नहीं है इतना बनाने का, चलो हम तुम तो यही ले लो। तो इसलिए ये कंपैरिजन को ध्यान में रखना है और फिर इनटेक की बात करना है। लार्जर परचेजेस जो होते हैं ज्यादातर फास्ट फूड में चिकन वगैरह का ज्यादा होते हैं। और फिर दूसरा मैंने आपको बताया पोटैटो या फ्रेंच फ्राइज, ये दो चीजों का ज्यादा परचेज होता है। ये नगेट्स जो मैं बोल रही हूँ ये भी चिकन के होते हैं, और हैमबर्गर, मैकडोनल्ड, ये सब, और ये बच्चों में ज्यादा प्रचलित होते हैं। मतलब जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं वो तो पूरे समय KFC और इधर पे वो पूरा चिकन की तरफ ही आकर्षित होते हैं। और दूसरा जो है वो पोटैटो फ्राइज, तो दोनों ही नुकसानदायक है, दोनों पोटैटो भी और वो भी। तो इसमें करीब करीब जो है मैकडोनल्ड के चिकन नगेट्स में 56% कॉर्न होता है, और ये इसमें कॉर्न जो होता है वो सिंथेटिक उससे बना रहता है, अप्राकृतिक, तो ये भी नुकसानदायक होता है। ये आपका देखिए सोयाबीन कॉर्न या सोयाबीन के इससे पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये तैयार होता है। आपने देखा भी होगा जो लोग KFC खाए हैं या मैकडोनल्ड का चिकन खाए, और आप देखिए उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक टाइप चल रहे हैं, हम लोग ही चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं क्योंकि आप जा रहे हैं वहां पे, तो थोड़ा ये हानि देख लीजिए। मैंने बोला ना रोज खाने की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप महीने में एक बार KFC खा रहे हैं तो आपके पेट में ये जा भी रहा है तो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर जो रोज 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 करेंगे तो ये इसमें जो अलार्मिंग इंग्रेडिएंट है वो है TBHQ। TBHQ का फुल फॉर्म है टेरिटरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनेन। ये एक केमिकल है जो केमिकल प्लांट से निकलता है, और ये पेट्रोलियम कैसे, मतलब ये इसलिए डाला जाता है फास्ट फूड में क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि फास्ट फूड को आप पैक करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जब इसको पैक करते हैं, और खास तौर में जैसे समोसा है, अगर आप उसको पैक करके ले जाओगे तो वो थोड़ी देर सुबह से शाम तक की सही रहेगा, थोड़ी देर के बाद उसमें वो जो ट्रांस फैट है और उसमें
स्टू डालने से इनका जो ये पैकेट्स बनाते हैं ये अगर टेक होम या कैरी करना है तो ये एक फैट को और प्रिजर्व भी करते हैं, तो इसलिए ये आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो घर ला के भी बहुत फ्रेश है। कभी करके देखना दोनों, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले समोसा स्टेल हो जाएगा और ये फ्रेश रहेगा, तो इसलिए इसमें हानिकारक इंग्रेडिएंट होता है। कंफर्ट फूड के नाम से भी हम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दो तरह के चित्र डाले हुए हैं कि आपको एक विजन, आपको पता है लेकिन आज क्योंकि अपन चर्चा कर रहे हैं तो आप देखिए कि कितना सारा फैटी फूड और फास्ट फूड मफिन्स वगैरह हैं जो कि अगर अपन इनटेक को बढ़ाते हैं तो आप देखिए हार्ट प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज होता है और वजन, मतलब ये तीन चीज तो होके ही रहेगी। और आपके केस में, किशोरों के केस में आप देखिएगा कि आपके केस में अगर आपकी क्लास में दो बच्चे भी आपको इस तरह से प्लम्पी दिखते हैं, मोटापा दो टाइप का रहता है, एक लीन बॉडी मास के साथ रहता है और एक हेल्दी, वो ऐसा मतलब मोटे के साथ में फैट के वो दिखते हैं बल्जिस लटकन, तो वो आपका ये बहुत ही ज्यादा आपका वजन तो बढ़ ही रहा है। आप कभी भी डायबिटीज के शिकार हो जाते हो, अभी नहीं होगे तो जैसे ही थोड़ी उम्र बढ़ेगी तब हो जाओगे, और आपको हार्ट की आजकल आप देखिए कि कभी कभी एकदम से आपको सुनाई देता है कि कोई यंग बच्चा भी हार्ट से डेथ हो गई है, तो ये यही पर आपको एक ब्रेक करने के लिए समझा रही हूँ कि ये आप लोग जानकारी लीजिए कि ये कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। स्क्रीन पे आपको ये जो चित्र दिख रहे हैं ये आपके चारों तरफ है, मार्केट में है और आपके खाने पीने में है, तो आप इसको देखिए कि आपका इनटेक आप किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मैंने फिर कहा कि भाई हमारे बच्चे तो लेते ही हैं, मतलब किशोर बच्चे यंग बच्चे ले रहे हैं, जैसे भोपाल की ही कंडीशन अपन ले लें और आपके जहाँ रहते हैं वहां की भी ले लें, तो फिर हम ये बोल रहे हैं कि जितनी कैलोरी आप डाल रहे हो उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज कर लो, तो कम से कम जो उससे होने वाला नुकसान है उससे आप बचे रहोगे और आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो आप या तो फिर, अपन ने पिछली क्लासेस में बहुत एक्सरसाइज की बात करी हुई है और आज अपन फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, तो फास्ट फूड एंड एक्सरसाइज को रिलेट कर लो। यदि आप उसको इनटेक आपका ज्यादा है जिन बच्चों का तो वहां पे वो होंगे, लेकिन उसके साथ में यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके साथ में एक्सरसाइज को बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको उसका नुकसान ना हो पाए। आ रहा है समझ में? इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि फास्ट फूड में ये सारी चीजें होती हैं, सॉल्ट शुगर सैचुरेटेड फैट, ये मान के चलिए उसमें कोई वेजिटेबल फूड और फाइबर नहीं होता जो कि बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आवश्यक है। और जो फास्ट फूड होते हैं जैसे कि कोई भी चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया, हो गया एनीथिंग, उसपे जो सॉल्टेड होने के कारण वो बहुत ज्यादा सोडियम उसमें बढ़ा हुआ रहता है। कैंडी कैंडी जैसे स्वीट्स वगैरह रहते हैं तो उसमें शक्कर की मात्रा रहती है, और सोडा कोल कार्बोनेटेड बेवरेजेस रहेंगे या अल्कोहलिक तो वो उसमें का ये आपका सोडा ज्यादा रहेगा, तो ये इसमें कहीं पर भी हमको हेल्दी वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फूड है जो कि आप ज्यादा ले रहे हो, इनटेक आपका ज्यादा है। टाइप्स देख लिया, यहाँ से निकले आज गोलगप्पे खा लिए, वहां से निकले कल चाउमीन खा लिया, फिर देख लिया भटूरे खा लिए, तो ऐसे करके हमने इनटेक को पूरे समय वही चीजें अगर घर में बनती हैं, आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैक्सिमम चीजें सीख के हमने घर में बना ली है। कभी कभी हमसे क्योंकि KFC नहीं बनता है तो हमने बाजार में खा लिया, तो वो इनटेक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एवरीडे आप बाजार पे निश्चित रहोगे और आप सोचोगे नहीं हम तो हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो वो हेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है और आपको निश्चित ही नुकसान पहुंचाएगा। दिखाना चाह रहा है आपको यहाँ पर कि ये सारे वही पैटर्न पे आपको दिख रहा है, और बेसिकली यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको जितना भी, तो उसमें आपको देखिए कि सब चीजों में ब्रेड की लेयर है, तो ब्रेड क्या है, रिफाइंड है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह कर ही रहे हैं आप, मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अपन ने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि ये अब एक ज्वलंत समस्या आ रही है, बच्चे जिद कर करके पेरेंट्स को परेशान करते हैं। क्या कर सकते हैं इस जगह पे करेक्शन, दो रोटी, और रोटी में आटे में बेसन मिलवा दीजिए 70-30 में,
तो प्रोटीन में आ गया, और कोई भी सब्जी और एक फल आपके टिफिन में आ सकता है, हेल्दी हेल्दी फूड में कन्वर्ट हो गया। एक दो बच्चे टिफिन ला रहे हैं, एक ने टिफिन खोला ये निकल रहा है उसमें, दूसरे ने टिफिन खोला उसमें सीरियल निकल रहा है, आटा। तो ये मैदा जो है, मैंने जैसे भटूरे को बोला, समोसे को बोला, ये सारे फास्ट फूड में आते हैं क्योंकि ये मैदे से बनते हैं, लेकिन ये टेस्टी बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं और हमसे छूट नहीं रहे। तो अपन उसकी इंटेक पे ध्यान दें और उसको फिर बदलने की कोशिश भी करें। क्योंकि इसमें जो उपस्थित ऑयल है वही आपको नुकसान कर रहा है, जो आपका आपको बता दिया मैंने कि इसमें जो चिप्स है, कुकीज है, कैंडी बार, मफिन, कोई भी आइटम हो, चाहे वो बेक्ड हो चाहे फ्राइड हो, सब जगह ट्रांस फैट ज्यादा हो रहा है और बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब बॉडी को उतनी पौष्टिकता नहीं मिल रही है। तो इसलिए भी हमको इसको देखना है कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि यदि अपन ने यहाँ तक की बात जो समझी है उसमें फास्ट फूड इंटेक पे ध्यान नहीं देंगे तो आप देखिए कि ये हमारा हेल्थ रिस्क बढ़ेगा। हार्ट डिजीज, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी को मैंने हाईलाइट आप लोग के लिए किया है क्योंकि आपकी शुरुआत यहाँ से होती है। आप फास्ट फूड ले रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो आप सबसे पहले मोटापा पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपको एकदम एक दिन में नहीं बढ़ेगा। जब आप इनटेक को बंद नहीं कर रहे हो, इनटेक को बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो वो रेड मैंने दिखाया, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन और स्ट्रेस भी होगा और डिमेंशिया भी होगा। डिमेंशिया मतलब याददाश्त भूलने की बीमारी, क्योंकि इसमें वो पौष्टिकता नहीं है जो कि आपके संतुलित आहार में, जो आपके ब्रेन को भी सही रखती है। तो हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये, लेकिन कब, क्वेश्चन मार्क, कि जब इनटेक पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इनटेक आपका बैलेंस्ड है तो ये सारी खतरों से आप बचे हुए, और इनटेक अगर एबनॉर्मल है कि सुबह भी शाम भी, और आपका एक टेम्पटेशन है कि हमें तो मैगी ही खाना है, हमें तो बस रोज ही शाम को बच्चा आ रहा है मम्मी मैगी बना दो, तो दैट विल बिकम, उसके कारण ये सारी समस्याएं होंगी। फैटी लिवर भी होगा और अर्थराइटिस भी होगा, कैंसर भी होगा और स्ट्रोक भी होगा, मतलब लिस्ट जो है बढ़ती ही जाएगी आपकी बीमारी की, ये विथ ओबेसिटी है। मतलब वहां पे अपन ने हेल्थ क्रिस बताया, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि यदि आपका किशोर व्यक्ति जो है वो, मतलब किशोर से पहले भी मैंने बोला 12 साल से ये शुरू हो जाता है, तो 12 इयर्स का फिर एडोलेसेंट, तो अगर वो मोटा हो रहा है तो इतने प्रॉब्लम्स उसके होते चले जा रहे हैं, है ना, और वो ये चीजों से नहीं बच पाएगा, आगे पीछे कभी वो फंसता है। और जैसे कि हम लोग कभी पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं ना, अगर वो पेशेंट हमारे पास 40 साल पे भी आया है कि वो 40 साल का है, तो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि भैया तुमने बचपन से क्या खाते हुए यहाँ पर चले आ रहे हो, तो दैट इज द पॉइंट। वो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एक दिन की खान पान की कहानी नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए जब भी बात करती हूँ तो मैं बैलेंस डाइट की बात करके बोलती हूँ कि इसको बहुत ही संतुलन और उससे करना है। और आजकल जो पैटर्न चल रहा है और हम लोग जिस उसमें रह रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि हम अपने आहार के प्रति विशेष ध्यान रखें, सजग रहें। आज आप देखिए कि क्या फर्क है, वही सैंडविच पुराने जमाने का, एक मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, आज भी हम लोग बनाते ब्रेड लाके उसमें अंदर सब्जियां भर के उसको सैंडविच मेकर है, तवे पे बना लिया और या बिना सेके भी बना लिया, है ना, ये ट्रायंगल सैंडविच सबको पता है। इसमें 320 कैलोरी होती थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊपर फैट नहीं है, ब्राउन उसका सिर्फ हल्के से बटर से ऊपर नीचे सेक दिया, उसका डेक्सट्राइजेशन हो गया। और आपको, लेकिन आज आज सबवे का सैंडविच देखिए और पिचेस देखिए और आप देखिए 820, मतलब 500 कैलोरी बढ़ा दी हमने। तो ये तो एक सैंडविच अगर खाएंगे और 820 कैलोरी खा रहे, वो दूसरा खाना खा ही नहीं पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा, ब्रेकफास्ट में हमने 320 कैलोरी ली, एक फल लिया, एक ग्लास दूध लिया, फिर खाने में हमने दाल चावल रोटी सब्जी खाई, ओके, लेकिन ब्रेकफास्ट में हमने उधर कुछ नहीं लिया, ज्यादा से ज्यादा चाय बिस्किट ले लिया, फिर लंच में ये ले लिया, क्योंकि कैलोरी लंच के बराबर मिल रही है। तो अब समझ में आया कि
कि वाई फास्ट फूड इज डेंजरस, ये उसका डेंजर पॉइंट है कि आपने कैलोरी तो पूरी ले ली, कैलोरी बल्कि उससे अच्छी ले ली, लेकिन आपको पोषण नहीं मिला। क्लियर हो गया? तो ये देखिए स्क्रीन पे, इसी तरह से फ्रेंच फ्राइज देख लीजिए, जो मैंने घर में तलने को बताया है वो 210 कैलोरी दे रहा है, और आज जो आपको बाजार में मिलता है, जो मैकेनिकल से मिलता है, वो 610 कैलोरी दे रहा है। पेट आपका टनाटन भर जाएगा, लेकिन जिसको एम्प्टी कैलोरी, एम्प्टी न्यूट्रिशन बोलते हैं, कि आपको पौष्टिकता नहीं मिलेगी और आप बीमारी की तरफ अग्रसर होंगे, तो इसको ही ध्यान रखना है। आप एक दिन ले लीजिए, मान लीजिए आपने आज ले लिया, आज शनिवार है, आज आपने ले लिया, लेकिन फिर आपने एक महीने बाद लिया तो वो इंटेक जीरो हो जाता है कि ठीक है कोई नुकसान, लेकिन आप आज ले रहे हो, फिर मंडे को भी ले लिया, फिर ट्यूसडे को, वेनसडे को ले लिया, इस तरह से आपकी गिनती महीने में 20 बार बढ़ गई, तो इंटेक बढ़ा और नुकसान बढ़ा। तो दैट इज द पॉइंट विच आज अपन लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आपको क्या उससे समझ में आ रहा है कि फास्ट फूड में जो नुकसान और फायदे के बीच में है, तो आपकी चॉइस हेल्दी होना चाहिए। आपको फास्ट फूड चॉइसेस जो कर रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत जल्दी सटाइटी देता है, फिलिंग रहता है, हाई कैलोरी फैट और सोडियम रहता है, तो आपको चूज करना है, और चूज करने में प्रपोर्शन साइज छोटी लेना है, कभी भी बड़ी की तरफ मत जाना। तो जितना छोटा लोगे बर्गर या ये सब, तो आपको उतना कम नुकसान होगा, बड़ा लोगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। कॉस्ट वाइज तो छोड़िए, वो तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, लेकिन चॉइस वाइज जो बोल रहे हैं वो आप देख लीजिए कि आप किस तरह से उसका चुनाव कर रहे हो। तो जैसे कि आप छोला भटूरा ले रहे हो कि डोसा ले रहे हो, तो छोला भटूरा ना लेके डोसा ले लो। भिंड में सामने बैठ के कितनी बात कर रहे हैं भाई, भिंड में, भिंड कॉलेज में जो कोऑर्डिनेटर है प्लीज देख लें, भिंड में कोऑर्डिनेटर्स कंट्रोल करिए, सामने बैठ के बात कर रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, एक तो पीछे ही मुड़ के बात कर रहा है, भिंड के कोऑर्डिनेटर सामने आके कंट्रोल करें। तो अब आप देखिए कि आपके ऑप्शंस जो आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं मैं, ऑप्शन 1 मैकडोनाल्ड बर्गर चीज के साथ लेंगे, और आप उसमें सोडा भी लेंगे और फ्रेंच फ्राइज भी लेंगे, तो आप देखिए आपको 1100 कैलोरी मिल रही है, ये ऑप्शन 1 है, और उसमें 50 ग्राम फैट भी जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन है जिसमें मैकडोनाल्ड का छोटा वाला बर्गर लिया, कम स्मॉल फ्राइज लिए, और सोडा भी आपने उतना ही लिया, तो आपको 480 कैलोरी और 19 ग्राम फैट। तो चॉइसेस पे जाना है आपको, इनटेक की बात जब अपन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन चॉइस देखना है कि आप क्या चॉइस कर रहे हो। तो ये देखिए जो लाल से बना हुआ है तो वो मतलब क्या है, डेंजरस है, और जो ग्रीन से बना हुआ है वो आपका हेल्थ, मतलब आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उतना इनटेक आप ले सकते हैं। तो मतलब आपको जो अभी फास्ट फूड चॉइसेस में बता रही हूँ उसमें ही ये ऑप्शन बताया है मैंने, कि ये दो ऑप्शन मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप फास्ट फूड अगर लेते हैं तो कभी भी लार्ज वाली चॉइस पे मत जाइए, क्योंकि आप जितना उसकी साइज वगैरह बढ़ाएंगे आपका वो कैलोरी बढ़ता जाएगा। तो स्मॉल पे ही जाइए और कॉम्बिनेशन देखिए, तो आपका एकदम से फैट भी कम हो जाएगा और कैलोरी भी कम हो जाएगा। तो आपके पास में 1 ग्लास दूध पीने का, कॉफी पीने का, सोडा हटा के कॉफी कर सकते हैं, एक फल खाने की जगह रहेगी। बात ये समझनी है, इनटेक की बात जब कर रहे हैं तो इनटेक फास्ट फूड का लीजिए, बैन नहीं कर रहे अपन, अपन मना नहीं कर रहे हैं, अपन उसकी कोई कमियां नहीं निकाल रहे, अपन उसकी चॉइसेस समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हाउ मच वी शुड टेक दैट विल बी हेल्दी फॉर अस। ये आप देख लीजिए, कुछ ऐसी दिखाने की कोशिश की है मैंने जो फल की बात की है, तो आप कोई फास्ट फूड चॉइस करते हैं उसके साथ ये कुछ फलों को भी चुनाव करें हेल्दियर ऑप्शन के लिए। क्लियर है? यहाँ पर फिर अपन ने कंपैरिजन बना दिया कि आपके हेल्दी ऑप्शंस और लेस हेल्दी ऑप्शंस क्या-क्या हैं, जैसा कि ग्रिल चिकन, रेगुलर साइज बर्गर, और फ्रूट और दही,
बेक्ड पोटैटो और सलाद, ये आपका अगर इस कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो वो हेल्दी चॉइस है, क्योंकि आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। लेकिन अगर इधर वाला देखते हैं जिसमें नगेट्स लिया, चिकन के सैंडविचेस लिए, अनियन रिंग लिए और लार्ज फ्रेंच फ्राइज, तो आप देखिए सारा कुछ आपने इतना सारा उसी में से सिलेक्ट किया है, जो कि आपका खाने के लिए तो ठीक है, खाएंगे आपकी भूख शांत होगी, आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा, मजा भी आएगी, लेकिन वो आपकी हेल्थ में लॉन्ग टर्म आपको नुकसान करेगा। तो ये आप देखिए कि आप हेल्दी ऑप्शंस चुनने के लिए फास्ट फूड में चॉइसेस को रखिए। तो आपको जो भी एडोलेसेंट है उनको हेल्दी फूड इंटेक के लिए प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ पर बार बार ये बोलूंगी कि आपको आज की क्लास से जो कुछ भी समझ में आया उसमें आपको एक बात ले जाइए कि स्मॉल स्मॉल साइजेस पे आप प्रेफरेंस दीजिए, और उसके साथ में आप अपनी प्लेट पे ये जरूर प्रेफरेंस दीजिए कि आपके कलर्ड वेजिटेबल और फ्रूट और स्प्राउट्स रहे, मतलब प्रोटीन विटामिन मिनरल आपको फास्ट फूड के साथ भी मिले। तो आपको आइसक्रीम चॉकलेट और ये डेजर्ट्स जो भी हैं इनको आप उससे रिप्लेस करिए, दही वगैरह से रिप्लेस कर दीजिए, योगर्ट दही से, आप मतलब इसको उस चॉइस में मत लीजिए, जबकि इस समय किशोर को और बच्चों को तो इन चीजों के लिए मना करना मतलब अपराध ही हो जाता है कि आप जैसे बहुत ही गलत बात कुछ कह रहे हो। लेकिन मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये बोलूंगी कि यदि बच्चा हमारा फास्ट फूड ले रहा है तो आप दही लीजिए, खीर वगैरह ले लीजिए, सिवई ले लीजिए, वो ज्यादा फायदा करेगा बजाय कि आप आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह ले। फिर आपको फ्रेश लाइम जूस, कोकोनट वाटर, इस तरह के मतलब जो ड्रिंक्स, तो आपने देखा कि हमारे बच्चों को हम लेने को मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। आज की क्लास में अपन ने हेल्थ की बात बात करी, फास्ट फूड की बात करी, अपन ने मना, लेकिन अपन ने उनको डायवर्शन देने की कोशिश करा कि बेटा आप पूरे समय कोका कोला क्यों पियोगे, भाई आप नींबू का पानी पी लो, आप नारियल पानी पी लो, है ना। आपने यदि एक बार पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रोज रोज अगर पियोगे तो आपका बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो इसलिए आपको प्रमोशनल काउंसलिंग, मोटिवेशनल काउंसलिंग करनी है कि जिसमें आप अपने आप को दही, रायता, खीर, ऐसी चीजों, दूध और दूध से बनी चीजों की तरफ आए। आप सफेद वाला जो रसगुल्ला है वो ले सकते, छेने की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, अगर मीठा ही खाना है। आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम कब खाइए, एक आध बार। अब आप खुद सोचेंगे ना कि रोज रोज खा रहे हैं आइसक्रीम, रोज खा रहे हैं आइसक्रीम, तो वो दैट इज हार्मफुल। आप उसको कम से कम में करने की कोशिश करिए और चेंज करिए। फ्रेश सैंडविचेस बनाइए, फ्राइड की जगह फ्रेश बनाइए, तेल कम जाएगा। बेक्ड बनाइए, आपका जो भी आइटम है उसको बेक्ड और फ्रेश करिए। मतलब क्या कम करने को बोल रहे हैं, फ्राई को कम, जैसे आप ढोकला ले सकते हैं, डोसा, इडली, ये सब लीजिए आप, समोसा, कचौड़ी, फिर वही बात है, बाजार की तो करनी ही नहीं है, घर में भी आप कम करिए, लेकिन आप कभी आपको करना भी है तो आप बेक्ड और ग्रिल्ड और रोस्टेड पे ज्यादा जाइए, भुना लीजिए और इसको कम करिए। लेकिन जीरो करने को कहीं पर भी कुछ नहीं बोला जा रहा। इनटेक की जब बात हो रही है तो दो तीन तरह के इनटेक है, जिसमें आपको एक डायरी बनानी है अपनी, फूड डायरी, जिसमें आपको देखना है कि भैया आप रोज ही ले रहे हैं वो चीज, तो उसको कट करके इस तरह के चॉइसेस लीजिए। और यदि आपका इनटेक सही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर इनटेक गड़बड़ आ रहा है तो फिर हमको उसको चॉइसेस को बदलना पड़ेगा। और चॉकलेट बार और ये जो है दोस्तों को देना हम बंद बंद करें, उसके बदले हम कुछ और तरीके से उनको रिवार्ड करें, मतलब जैसे गिफ्ट होती तो हम होते हैं, तो हम उसको ना देके कुछ और तरीके से वो पेन दे दें उसकी जगह, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम पोर्शन साइज को लिमिटेड करें, रेगुलर मील के साथ में कॉम्बो मील ऑफर करें, मतलब जब भी रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो ये नहीं कि आप सिर्फ वही वही रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे भी आप कॉम्बो मील ऑफर करें, मेगा मील ऑफर करें, तो उसमें आपको दूसरे मील्स भी ऑप्शन मिलेंगे फास्ट फूड के अलावा, है ना। और ईटिंग अवे फ्रॉम होम, मतलब बाहर खाने में ये ध्यान रखें कि बहुत क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, खाने के ऊपर तेल नहीं तैरना चाहिए, उसमें बहुत स्पाइसेस नहीं होना चाहिए। आपका रोटी जो ये है इंडियन मेन्यू में, ब्रेड
ब्रेड वगैरह को आप रोटी और तंदूरी से कर सकते हैं, मतलब ब्रेड की जगह आप तंदूरी रोटी और प्लेन रोटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ जगह आप जो है उसको चेंज करिए, और मतलब सिलेक्शन करिए। बाजार आपके लिए चेंज नहीं होगा, वो तो अपना मार्केटिंग उसकी बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, फास्ट फूड के आउटलेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो कम नहीं होने वाला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। लेकिन आप अपनी हैबिट्स, फूड के सिलेक्शन की, चॉइसेस की, और अपने खतरों को देखते हुए सुधार लें, इंटेक को सुधार लें, तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर ये बात मैंने कर ही ली है, ये स्लाइड अभी आई है, जो इसकी बात अपन ने कर ली है कि जो पूरी पकोड़ा की जगह आप मतलब कि जो यूज करें साफ तेल यूज करें, और उसके अलावा आप इसको रोटी वगैरह से ही रिप्लेस करें। रोज रोज पूरी जो खाएंगे वो भी नुकसान है, पकौड़ा खाएंगे वो भी नुकसान है, तो आप उसको रिप्लेस करें। लेकिन बंद कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज हेल्दी, बट उसका इनटेक का प्रपोर्शन अपने को देखना है। तो रिकमेंडेशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइटरी गाइडलाइंस में हेल्दी डाइट के लिए हमको क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं, फल खूब खाएं, सारी सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, स्प्राउट्स खाएं, लो फैट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाएं, पनीर वगैरह लें ज्यादा, दही लें ज्यादा, अगर नॉट वेजिटेरियन है तो फिश और पोल्ट्री ज्यादा खाएं, मीट रेड मीट को छोड़ें, अंडे आप खा सकते हैं, और फिर ड्राई फ्रूट्स आप ज्यादा ले सकते हैं, वॉलनट है ये सब ज्यादा ले सकते हैं, और ऐसी चीजों को अवॉइड करें जिसमें शुगर और सॉल्ट ज्यादा हो। ये आपके लिए एक रिकमेंडेशन है जो टेक होम पे जा रहा है, और की निकल के आएगी जो पीछे मैंने बताया। अगर ये रिकमेंडेशन पे आप अपनी हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी कैलोरी 2000 से 2500 तक रहेगी प्रतिदिन, कार्बोहाइड्रेट 271 ग्राम रहेंगे, फैट आपका पर डे 65 ग्राम रहेगा, सोडियम एक ही चम्मच पे रहेगा, और शुगर 8 टीस्पून मतलब 32 ग्राम पर डे रहेगा, और प्रोटीन जो रहेगा वो 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जो भी जिसका वजन जितना है, 60 ग्राम है तो 60 ग्राम प्रोटीन रहेगा, 70 किलो है तो 70 किलो रहेगा, 55 किलो है तो 55 किलो रहेगा। तो एक बेसिक हेल्दी उसको देखने के लिए जो फ्रेम है उसमें आपने देखा कि ये भी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, जिसके बीच में, इसी के बीच में, इसी के अंदर आपको फास्ट फूड लेना है। अब आपको चॉइस आपकी है, इनटेक आप बैलेंस कर लीजिए, और आप अपना बैलेंस डाइट भी खाइए, हेल्दी फूड भी खाइए, और फास्ट फूड भी खाइए, सिलेक्ट करिए आपको जो पसंद है खाइए, बट उसको देखिए कि आप क्या डेली उसको चॉइस कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना पूरा सुनने के बाद अगर है तो अवॉइड फास्ट फूड एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड, ये कहना चाहूंगी। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं इसको पूरा क्रॉस करके बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं खाइए। किशोरों में ये जो रुचिकर है खाइए, लेकिन इसको चॉइसेस अपने हिसाब से आप उसको बैलेंस करके सिलेक्शन करिए। तो कोई भी क्वेश्चन है फटाफट पूछ लीजिए आप लोग। एनी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है बच्चों के, क्वेरी क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ तो, क्वेरी है, जिज्ञासा आपके मन में उठ रही हो। दो तीन मिनट में आप पूछिए, क्योंकि आप लोग इंटरैक्टिव सेशन नहीं करते हैं, वो सबसे खराब बात है, जो मैं कंप्लेन भी कर रही हूँ हायर एजुकेशन को कि मजा नहीं आता इन लोग के साथ। वन वे प्रोसेस है। अभी आपके पहले मैडम ने कम्युनिकेशन स्किल भी बताया आपको, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल ही है जो हम कर रहे हैं यहाँ से, आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप हमसे बात करें और हमसे पूछें। फटाफट पूछिए एनीबडी। छिंदवाड़ा, रतलाम, खंडवा, नीमच, सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ से। क्या समझ में आया आपको आज के लेक्चर से? नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? यही बता दीजिए कितने बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, हाथ ही उठा दीजिए कम से कम, रोज खाते हैं, वही पता चल जाए। हाँ
रतलाम में एक लड़की ने हाथ उठाया, रोज खाती हो? नहीं, रोज नहीं खाती। तो प्रश्न पूछो ना बच्चे, जब फास्ट फूड खाते हो तो आपके मन में जिज्ञासा तो होगी कि मैडम हम ये खा सकते हैं या नहीं। एनी क्वेश्चन विच यू आर हैविंग इनसाइड योर माइंड। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।